नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंडी बांध में। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी आपको चिचिंडे की सब्ज़ी। तो आज हम डिनर में बनाएंगे चिचिंडा और साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी। तो मैंने लिया है चिचिंडा और इसको इंग्लिश में स्नेक गार्ड बोलते हैं और आप इसको तोरी की भाई और बहन भी बोल सकते हो। तो हमने इसके छिलके दोनों के उतार दिए हैं अच्छे से और आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। और दोस्तों आप देखिए, खड़े मसाले में मैंने लिया है कड़ी पत्ता, अजवाइन, साबुत धनिया, ज़ीरा, काली सरसों, जखिया और बाकी लिया है मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें नमक, हल्दी और गरम मसाला। क्योंकि मिर्च मैंने हरी ली है तो मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करूँगी। तो अब देखिए, सबसे पहले कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने इसमें डाला सरसों का तेल। सरसों के तेल को अभी हम गर्म होने देंगे और जैसे ही हमारा सरसों का तेल गर्म होता है उसके बाद मैं उसमें डालूंगी सारे जितने भी मेरे खड़े मसाले हैं वो सारे मैं डाल दूंगी इसमें और उसको थोड़ा सा तड़कने दूंगी। और जैसे वो थोड़ा सा तड़कने लग जाएंगे उसके बाद इस बारी आएगी इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर और हरी मिर्च की बारी। तो इनको भी अच्छी तरह पकने दूंगी। उसके बाद दोस्तों इसमें डाल दिए मैंने आलू और आलू को थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लिया इसमें। और उसके बाद हम चिचिंडे जो हमने कट करके रखे हैं वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके बाद इसको सबको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से ताकि जितने भी मसाले, जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसको ढक्कन मार के रख देंगे। और जब ये कुछ देर बाद इसको देखते हैं क्या हुआ है इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसको पकने में 8 से 10 मिनट लग जाएंगे ऑलमोस्ट। तो इसमें मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर में डाला था, थोड़ा आप डाल सकते हैं उसमें। साथ के साथ मैंने यहाँ पे रोटी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है। आटा मैंने गूंध लिया है अच्छे से। आटे में दोस्तों जितना ज़्यादा पानी जाए उतना अच्छा होता है, पर ज़्यादा गीला भी नहीं करना, हिसाब से ही आपको ये करना होता है। और अच्छी तरह जितना आप अच्छे से इसको बनाएंगे, आटे को मलेंगे, उतने ही अच्छी सॉफ्ट रोटी बनती है और ज़्यादा जल्दी सूखती भी नहीं है। पानी की ज़रूरत, जितना पानी इसमें डालते हैं उतना आटा अच्छा होता है, बट ज़्यादा भी नहीं डालना है प्लीज़। हाँ, तो ये हमारा आटा रेडी हो चुका है। फिर ये देखिए रोटियाँ शुरू कर दी हैं मैंने, 5 मिनट बाद रोटी बनके तैयार है। और दोस्तों ये है हमारे चिचिंडे की सब्ज़ी और साथ में रोटी। तो बहुत यमी सब्ज़ी बनी थी, आप ट्राई करिए ज़रूर घर पे बनाने की। और जो मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।